हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube वीडियो के लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिख सकते हैं। अच्छा डिस्क्रिप्शन मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वीडियो YouTube पर पब्लिश करते हैं, अगर आप उस वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग अगर आप सही से लिख पाते हैं तो उस वीडियो का जो SEO होता है यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसमें दोस्तों आपकी वीडियो सर्च में आने लगते हैं और लोगों तक ज़्यादा सजेस्ट में भी जाता है, जिससे आपके चैनल पर जो वीडियो होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे और सब्सक्राइबर्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी YouTube वीडियो के लिए एक सही डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों, ये वीडियो हमारा फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का टाइटल है और यहाँ पे टाइटल के ठीक नीचे छोटा सा यहाँ पे MORE मोर लिखा हुआ है। इस पर जैसे मैं क्लिक किया हूँ तो आप देख सकते हैं एक पॉपअप खुल गया, और उसके बाद फिर से मैं जब मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक बड़ा सा यहाँ पे दोस्तों फॉर्म जैसा ओपन हो रहा है, और इसमें दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो मैंने आपको शुरू से इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो क्रिएटर हैं जो बिल्कुल एकदम नए हैं, वो यूट्यूब का जो वीडियो पब्लिश करते हैं सिर्फ टाइटल लिखते हैं और शायद डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखते हैं, और डिस्क्रिप्शन के बाद जो टैग होता है वो भी नहीं लिखते हैं, जिसके कारण उसको बेनिफिट नहीं हो पाता है, उस वीडियो को सर्च में वो नहीं ला पाते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे और जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ, ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपने प्रोसेस बताया उसे मैंने फॉलो किया और हमें बेनिफिट हुआ। आप मान लीजिए दोस्तों किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाने से पहले आप जरूर सोचे होंगे टॉपिक, उस टॉपिक के लिए आपको एक टाइटल फाइंड करना है वीडियो का। तो मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड कोई वीडियो आप बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन का बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस एप्लीकेशन के साथ इस एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमा सकते हैं वो आप लिख सकते हैं, या मोबाइल फोन से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। जिस भी वीडियो का टाइटल फाइंड कर रहे हैं उसका आप जो टाइटल है दोस्तों वो ज़्यादा लंबा ना रखें, आप उसको 60 से 70 जो करेक्टर होगा उसमें आप रखिए, और अगर आपका टाइटल एकदम छोटा है तो दो टाइटल रखिए, ठीक है। मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, और साथ में एक लाइन दे सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं कि बेस्ट अर्निंग एप्लीकेशन। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप दो रख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, जो आपका वीडियो का टाइटल है उसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन होगा उसके ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर में उसे पेस्ट कर दीजिए, या नॉर्मली टाइप कर सकते हैं जो भी वीडियो का टाइटल है। उसके बाद अगर मान लीजिए दोस्तों आपका, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आप जो भी वीडियो बनाए हैं उस वीडियो से रिलेटेड तो क्वेरी होगा, क्योंकि एक वीडियो का एक क्वेरी नहीं हो सकता है, हो सकता है कि उसमें 4 या 5 या 6 उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आपको सोचना होगा कि आप जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को लोग और किस किस टॉपिक से सर्च कर सकते हैं, किस किस कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, वो कीवर्ड आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 5 कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो आप भी इस तरह से आप कीवर्ड यूज़ कर दीजिए। उसके बाद आपने पहले से वीडियो बनाया होगा किसी भी और टॉपिक पर, तो जो प्रीवियस वीडियो का लिंक होगा उसे भी कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आप 2 वीडियो 4 वीडियो या 5 वीडियो आप कॉपी कर लीजिए, उसका लिंक, वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है, और जो वीडियो का टाइटल है वो लिखिए और उसके बाद पेस्ट कर दीजिए। उसके ठीक नीचे दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो लिंक है, जैसे फेसबुक का पेज हो सकता है, आपका टेलीग्राम चैनल हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो सकता है, उसका दोस्तों प्रोफाइल लिंक कॉपी करके आपको यहाँ पे दे देना है। और उसके बाद नीचे अगर आप एफिलिएट लिंक यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट और कोई खरीदे, तो आप एफिलिएट लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे आप दोस्तों टैग यूज़ कीजिए, जो हैज टैग होता है, हैज टैग यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हैज टैग कि क्या बेनिफिट होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको सही डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो हैशटैग में दोस्तों आप ज़्यादा हैशटैग यूज़ मत कीजिए, 2-4 हैशटैग यूज़ कीजिए। अर्निंग ऐप से रिलेटेड अगर आप बना रहे हैं कोई वीडियो, तो अर्निंग हैशटैग से रिलेटेड आप वीडियो में डाल दीजिए। हैशटैग कैसे फाइंड करना है, यूट्यूब ऐप को ओपन कर लीजिए और ऊपर में हैश लिखिए, और हैश टाइप करने के बाद जिस भी टॉपिक का आपका वीडियो होगा उसका जो कीवर्ड होगा वो आप डाल दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे बहुत सारे हैशटैग सजेस्ट में आए। तो ऊपर में आपको 4-5 हैशटैग ले लेना है, जो फर्स्ट में आता है वो आप वहाँ से लेके इसमें टाइप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप डिस्क्लेमर भी ऐड कर सकते हैं,
तो कुछ इस प्रकार से आपको इतना सारा ऐड करना है डिस्क्रिप्शन में, और बाकी दोस्तों जो आपका टाइटल है वो आप टैग में जरूर यूज कीजिएगा। तो टैग कैसे यूज कर सकते हैं, YT स्टूडियो एप्लीकेशन जो होता है उसमें जाइए, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, सारा चीज आप वहां से मैनेज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही काम है। अगर आप अच्छे से कुछ इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया अपने वीडियो में सही से टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो आपका वीडियो का जो SEO रैंकिंग होगा दोस्तों वो आपका हाई हो जाएगा, और जैसे ही हाई हो जाएगा तो आपके वीडियो सर्च में आने लगेंगे, और जब दोस्तों आपके वीडियो में सर्च में आएंगे और लोग अगर आपकी वीडियो को देखेंगे तो आपका जो वीडियो होगा वो आगे और लोगों तक सजेस्ट में जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी आपको मिलेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब मैं आपको बता रहा हूं और हमारे इस वीडियो में व्यूज ही नहीं आया है, शायद कम व्यू है, और आपको लगता होगा कि मैं YouTube के बारे में आपको इतना जानकारी दे रहा हूं और मेरे चैनल पे ही व्यूज नहीं आता है। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ब्रीफ कर दूं कि हमारा एक चैनल नहीं है, हमारा और भी चैनल है। मैं इस चैनल पर पिछले 2 साल से सही से एक्टिव नहीं हूँ, जिसके कारण दोस्तों हमारे वीडियोस में ज़्यादा व्यूज नहीं आते हैं। आप अगर देखेंगे हमारे इस चैनल पर वीडियो तो बहुत ही कम आते हैं, वीकली या फिर 2 दिन 5 दिन में, मतलब कोई भी शेड्यूल नहीं है दोस्तों, जिस कारण से व्यूज डाउन हो गए हैं, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि आखिर में किस लिए वीडियो बना रहा हूँ। कभी अर्निंग पे बना देता हूँ, कभी एप्लीकेशन, कभी यूट्यूब टिप्स। तो बस दोस्तों ये अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है इस चैनल पे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके सजेशन का वेट कर रहा हूँ। साथ ही दोस्तों आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।